लंबी नाक, घुमावदार पूंछ और शरीर पर पाए जाने वाले घने बालों के चलते बबून दिखने में इतने क्यूट लगते हैं कि इन जानवरों को देखकर आपको भी इन्हें प्यार करने का मन करने लगेगा। पर इनकी भोली और प्यारी सूरत पर मत जाइएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो सच ही हो, ऐसा हर बार नहीं होता। ये जानवर दिखने में जितने भी क्यूट क्यों ना लगे, पर मौका मिलने पर ये जानवर शेर तक की खटिया खड़ी कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इन जानवरों के कुछ ऐसे खतरनाक हमले दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर आप भी इन जानवरों से दूर रहना ही पसंद करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इन जानवरों के हमलों पर एक नजर डाली जाए। नंबर 10, बबून वर्सेस एंटीलोप। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बबून बहुत ही शातिर शिकारी होते हैं, इसका एक नमूना इस वीडियो में भी देखने को मिला। यहां साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक बबून ने पहले एंटीलोप की आंखों के सामने से उसके बच्चे को उठा लिया, और जब एंटीलोप ने अपने बच्चे को बचाने के लिए इस जानवर से झगड़ने की कोशिश की, तो ये बबूल जैसे उस जानवर को चिढ़ाने लगा। पर इतने सब के बावजूद भी इस बबून का मन नहीं भरा, और अपनी खुजली मिटाने के लिए इस जानवर ने बेचारे एंटीलोप के बच्चे पर हमला करना शुरू कर दिया। जाहिर है इन हमलों की वजह से बेचारा बच्चा न केवल बुरी तरह से घायल हो गया, बल्कि कुछ ही समय के अंदर ये बच्चा जान से भी मारा गया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि बबून कितने खतरनाक शिकारी होते हैं। नंबर 9, बबून वर्सेस कैट फैमिली। बबून सिर्फ छोटे आकार के जानवरों से ही नहीं, बल्कि मौका आने पर कैट फैमिली से भी भीड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जब एक बबून का शिकार करने के लिए एक लेपर्ड पेड़ के ऊपर चढ़ता है, तो पेड़ पर पहले से ही मौजूद बबून न केवल इस लेपर्ड पर जोरदार हमला करता है, बल्कि लेपर्ड को कई फीट की ऊंचाई से कूदने पर भी मजबूर कर देता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि बेचारा लेपर्ड इस जानवर के हमले से कितना ज्यादा डर गया था कि उसे मजबूरी में आकर पेड़ से ही कूदना पड़ा। इतना ही नहीं, कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब बबूल के झुंड ने लियोपोल्ड या कैट फैमिली के दूसरे मेंबर्स को अकेले में घेर लिया, और शिकार के लिए निकले जानवरों को खुद ही जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और मजबूरी में आकर दुम दबाकर भागना भी पड़ा। नंबर 8, बबून वर्सेस क्रोकोडाइल। इस वीडियो को देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि बबून अपने पर आ जाए तो किसी भी जानवर की नानी याद दिला सकते हैं। वीडियो में मगरमच्छ ने एक नन्हे बबून को अपने शिकंजे में कैसे रखा है, और ऐसा लग रहा होता है कि आज उस जानवर का मारा जाना तय है। ऐसे में ये जानवर खुद को बचाने के लिए तेजी से हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, और पानी के किनारे पर आने की कोशिश करने लगता है। इत्तेफाक से इसी बीच पानी के किनारे मौजूद बबूल के झुंड की मुसीबत में पड़े नन्हे बबून पर नजर पड़ जाती है। ऐसे में पानी में बबूल का झुंड न केवल मगरमच्छ के शिकंजे से अपने साथी को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, बल्कि बेचारे क्रोकोडाइल को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। खैर, इस हमले के बाद से इतना तो तय है कि आगे जानवर किसी भी बंदर पर हमला करने की कभी भी कोशिश तो दूर उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। नंबर 7, बबून वर्सेस बबून फाइट। इंसान हो या जानवर, अगर कोई बिना जान पहचान वाला व्यक्ति आपके घर में घुस आए, ऐसे में जाहिर है किसी का भी मूड खराब हो जाएगा, और यही चीज वीडियो में भी देखने को मिल रही है। यहाँ देखा जा सकता है कि जब एक बाहरी बबून एक नए इलाके में मौजूद बबूल के झुंड के करीब जाता है, ऐसे में बबूल के झुंड का पारा चढ़ जाता है, और इन जानवरों का झुंड इस अनजान बबूल पर चढ़ बैठता है। वैसे बबूल आए दिन इसी तरह की लड़ाई करते हुए देखे जाते हैं। कई बार लड़ाई का कारण किसी अनजान जानवर का दूसरे बबूल के इलाके में घुसने की वजह होता है। वही कई मौकों पर कुछ नर बबून किसी खास मादा को पाने और उसके साथ मेल करने के लिए भी आपस में लड़ जाते हैं, और कई बार ये लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि कमजोर बबून अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। नंबर 6, चिंपांजी वर्सेस बबून। बबून केवल अपने परिवार के सदस्यों से ही नहीं, बल्कि मौका मिलने पर चिंप्स से भी भीड़ जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बबून दो चिंप्स की नाक में दम किए हुए है। हालांकि चिंप्स भी इस जानवर को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बबून के सामने उनकी एक भी नहीं चल रही है। लड़ाई के आखिर तक बबून का पलड़ा भारी रहता है। हालांकि यहां दो चिंप्स होने की वजह से अकेले बबून को आखिर में भले ही वापस जाना पड़ता है, लेकिन इस लड़ाई को देखकर आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अगर ये जानवर अपने पर आ जाएं, तो चिंप्स को भी मसल कर रख सकता है। नंबर 5, बबून वर्सेस पाइथन। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एक अजगर ने किसी बड़े से शिकार को दाव रखा होता है, और ऐसे में पास ही मौजूद बबून को इस बात
बात का शक होता है कि सांप किस जानवर का शिकार कर रहा है। वह असल में उनके ही परिवार का सदस्य है। इस बात को समझते ही बबून के झुंड का पारा चढ़ जाता है और शुरुआत में ये झुंड भले ही इस अजगर के करीब जाने से थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन जैसे जैसे ये जानवर सांप के करीब जाते हैं और उस पर पहला वार करते हैं, ऐसे में इन जानवरों की हिचकिचाहट दूर हो जाती है। इसके बाद सांप पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि एक समय पर शिकार को निकला अजगर अब खुद ही जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मतलब साफ है कि एक अकेला बबून भले ही किसी जानवर को कुछ खास नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन झुंड में ये जानवर किसी को भी मारने की काबिलियत रखते हैं। नमो फॉर वन लॉयन अटैक ऑन ब्रेव बाबून। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहादुरी और बेवकूफी में क्या अंतर होता है। देखा जा सकता है कि किस तरह एक बबून ने पहले डटकर शेर का सामना किया और फिर उसको खदेड़ने की कोशिश की। इस बंदर की कोशिश काफी हद तक कामयाब भी रही और शेर को दुम दबाकर भागना भी पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ये बंदर काफी ज्यादा उतावला हो गया, पर मुसीबत टलने के बाद भी शेर के सामने डटकर खड़ा हो गया और उसे बेवजह धमकाने की कोशिश करने लगा। पर इस बंदर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस वक्त ये जानवर सामने खड़े अकेले शेर को घूर रहा होता है, उसी वक्त उसके पीछे से अचानक से कोई शेर आकर उसको घेर लेता है। बंदर को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी और इससे पहले कि ये जानवर भागने की कोशिश करता, इतने में शेरों का झुंड इस बंदर को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करना शुरू कर देता है और आखिर में बेचारा बंदर अपने उतावलेपन की वजह से मारा जाता है। बंदर शेर को भगाने के बाद वापस चला आता तो यह बहादुरी कहलाती, लेकिन जब बंदर ने बिना वजह के शेर से पंगा लेने का फैसला किया और अपनी जान गंवा बैठा, ऐसे में इसे बेवकूफी ही कहा जाएगा। नंबर 3 बबून स्टील लाइंस का। बबून शेर से टकराने पर भले ही अपनी जान का खतरा मोल लेते हैं, लेकिन जब भी इन जानवरों की शेरों के नन्हे बच्चों पर नजर पड़ती है और इन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं महसूस होता, ऐसे में ये जानवर शेरों के बच्चों को उठा लेते हैं और कुछ देर तक इन बच्चों को अपने साथ रखने के बाद ये बंदर शेर के नन्हे बच्चों पर हमला कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जानवर शेर के बच्चों पर हमला क्यों करते हैं और उन्हें क्यों अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। इस बारे में जानकारों का कहना है कि बंदर अक्सर नन्हे शावकों को खाने के लिए उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते हैं। इसके अलावा बंदरों की याददाश्त काफी अच्छी होती है और वो अपना पुराना बदला लेने के लिए भी शेर के बच्चों को किडनैप करते हैं। नंबर 2 बबून अटैक ऑन वेरवेट मंकी। बबून बहुत ही ज्यादा निर्दयी होते हैं। इसका छोटा सा नमूना यहाँ इस वीडियो में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह दो बड़े आकार के बबून एक नन्हे बंदर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। यह धीरे धीरे इस नन्हे बंदर को परेशान करना शुरू करते हैं और जब ये नन्हा बंदर खुद के बचाव के लिए हाथ पैर मारता है तो बबूल का माथा गर्म हो जाता है और ये बड़े आकार का बंदर इस नन्हे बंदर पर जोरदार हमले करने लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि बबून इस नन्हे बंदर पर हल्का फुल्का हमला करके उसे छोड़ देंगे और ये खूंखार बंदर आखिर में इस नन्हे जानवर की जान लेकर ही दम लेते हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि बबून कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। नमो वन पा फूल बबून अटैक ऑन हाइना। बर्ड्स एंड अदर एनिमल बबून मौका मिलने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी जानवर की जान के दुश्मन बन सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़े से बबून ने लकड़बग्घे पर हमला करके उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा किस तरह पानी से निकलकर एक बड़े से बबून ने पक्षियों पर अचानक से हमला बोल दिया। इस हमले से सारे पक्षी डर के मारे तितर बितर हो गए और इसी बात का फायदा उठाकर बबून ने इनमें से एक पक्षी को धर दबोचा और इसके बाद इस जानवर ने मजे से पक्षी को हजम किया। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि किस तरह इस बड़े आकार के बंदर ने चीता के साथ साथ दूसरे जंगली जानवरों को अपना निशाना बनाया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।